हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्तों मेंगोस फिर पतंग हो गया। फ्रेंड्स, आज मैं इस पतंग को उड़ाने वाला हूँ और इस पतंग को अभी मैं खींच करके देखूंगा और फिर खींच करके देखूंगा, फिर पतंग के अंदर अगर कोई डिफेक्ट होगा तो इसको ठीक करके मैं मांझे से उड़ा करके एकदम पेज तक ले जाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज मैं अभी पतंग को आपको खींचते हुए नहीं दिखाऊंगा, ना ही मांझा लगाते हुए दिखाऊंगा। आज मैं डायरेक्ट आपको पेज दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं अपना टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं। उसका वजह यह है कि अभी छत के ऊपर छोटे बच्चे कम हैं, थोड़े से ही हैं, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि आधे घंटे बाद जो है बच्चे काफ़ी सारे आ जाएंगे तो हमारे को पेच लड़ाने में बहुत दिक्कत होगी। तो हमारी जो क्लब काइट फाइटर्स हैं उनकी आपस में पेच लड़ती है, तो वो पेच फ्रेंड्स जो है हम लोग बड़े शांति के साथ और बहुत सुकून के साथ लड़ाना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीच में पतंग उड़ा देते हैं, और बच्चे तो पतंग उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, नहीं तो वो जाएंगे कहाँ? एक्चुअली क्या ये शौक तो बच्चों का ही है ना, हम लोगों का क्या? हम लोग तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको खींचते हुए नहीं दिखाऊंगा, ना ही मांझा लगाते हुए, डायरेक्ट पेच पर ले जा करके पतंग को खड़ा करता हूँ, वहीं से दिखाऊंगा और फटाफट मैं स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो को, क्योंकि अगर देर हो गया, अगर आधा घंटा भी देर हो गया तो काफ़ी सारे बच्चे छत पे आ जाएंगे, तो फिर मैं पेच नहीं लड़ा पाऊंगा और नहीं आपको ढंग से दिखा पाऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, अब पेच लड़ने जा रहा है, मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि वो पेच दिखाएं आपको। फ्रेंड्स देखा मैंने कैसे डोर मार करके काटा उसको, पूरा के पूरा मैंने नीचे से खींच करके एकदम डोर मार करके पेच काट दिया। आप लोगों को कैसा लगा ये पेच कमेंट बॉक्स में आकर के बताना। मैं कैमरामैन को बोलूँगा जरा मेरी पतंग को दिखाए। मेरी पतंग जो है बहुत ही मकड़दार पतंग है, और ये जो पेच अभी लड़ा है ये 500 मीटर पर लड़ा है, इसको आपको जूम करके दिखाया गया है। पतंग थोड़ी सी मकड़दार है, हवा भी कम है आज। देखिए फ्रेंड्स, पतंग लड़ने जा रही, मैंने अपनी पतंग कम से कम 100 गज पार दे रखा है और उसकी पतंग बहुत ज़्यादा अंदर की है फ्रेंड्स, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। एक तो वो आगे से उड़ा रहा है और वो नीचे से लड़ाएगा, और मेरे को क्या अभी ये प्रॉब्लम हो गया है कि उसकी पतंग जो है अंदर की होने की वजह से मेरे कटने के चांसेस बहुत है, लेकिन मेरे को खड़ा गद्दा ही मारना पड़ेगा। अगर मैं बाहर का निकलूँगा और उसने अगर भीतर फेर दिया तो मेरी पतंग जरूर कटेगी। मेरे को उसके हाथ पे चढ़ करके ही काटना पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पेच कुछ इस तरह से लड़ेगा कि वो आ रहा है, देखिए अंदर, वो काटा मैंने, देखिए फ्रेंड्स अंदर की होते हुए भी पतंग को मैंने काट दिया। अब मैं बाहर निकालता हूँ अपनी पतंग। वो देखिए फ्रेंड्स, पतंग जा रही है, झूमती हुई जा रही है, मैंने ऊपर से लड़ाया। उसकी पतंग बहुत ज़्यादा अंदर की थी फ्रेंड्स, और उसको ऐसे नीचे से नहीं लड़ाना चाहिए था, लेकिन नियम के हिसाब से मैं पीछे हूँ इसलिए। फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जब उसकी पतंग ना वो खींच रहा था तो पतंग भीतर की तरफ आ रही थी, जैसे मैं तो ऊपर से लड़ा रहा था तो जब खींच रहा था तो पतंग उसकी अंदर की आ रही थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज था ये। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक ही घर था कि खड़ा गद्दा मारना, और मैंने अपने दिमाग में बैठा रखा था कि मैं खड़ा ही गद्दा मारूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा। मैंने उसको थोड़ा सा एक झूठा गद्दा मार करके दिखाया कि मैं बाहर निकलता हुआ गद्दा मार रहा हूँ, वो मेरे झांसे में आ गया। उसने जैसे ही पतंग का मुड्डा ऊपर चढ़ाया, आसमान की तरफ भीतर की तरफ चढ़ाया, तो मैंने स्ट्रेट मार दिया, स्ट्रेट मार करके पेच काटा मैंने फ्रेंड्स। हवा का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साइड में है, रोज डायरेक्शन वेस्ट टू साउथ रहता था, आज नॉर्थ साइड में है, और आज मेरे को अपनी पतंग आगे रखनी पड़ेगी, थोड़ा पार रख करके लड़ाना पड़ेगा। फ्रेंड्स जो लेफ्ट हैंड साइड में पतंग है वो मेरी है और राइट हैंड साइड में ओपोनेंट की है, तो मैं अपनी पतंग को थोड़ा सा डाउन करके दिखाता हूँ। ये जो पतंग इधर आई है बाहर निकलता हुआ, ये मेरी पतंग है, और ओपोनेंट की पतंग आ रही है वो लड़ाने के लिए। मेरे को थोड़ा सा पतंग अपनी पार रखना पड़ेगा, अगर मैं पार नहीं रखूंगा तो मेरे कटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आप ऊपर से लड़ा रहे हैं तो आपकी पतंग कम से कम 50 से 100 मीटर पार होनी चाहिए,
ये बात आप जरूर एकदम ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी पतंग ऊपर से लड़ रही है फ्रेंड्स, देखिए ये लड़ने जा रहा है। अब मैंने अपनी पतंग थोड़ी सी उससे पार दे दी है उसकी पतंग से, और ये 700 मीटर पे लड़ रहा है, आपको सुपर जूम करके दिखाया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स फिर लड़ने लग रहा है, अरे काट दी उसने मेरी पेच काट दी फ्रेंड्स। वो देखिए मेरी पतंग लहराती हुई जा रही है झूमती हुई, उसने ऊपर चढ़ा के काट दिया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि उसने बहुत अच्छा टेक्निकली पेच चढ़ाया, ज़्यादा ताकत नहीं लगाया, उसने क्या किया अपनी पतंग को ऊपर चढ़ा लिया आसमान में, और ऊपर चढ़ा करके जो है मेरे जो गद्दा मारने की जगह थी ना उसको ख़त्म कर दिया, इस तरह से मेरी पेच कट गया। अभी मैं फ्रेंड्स फिर एक और पतंग उड़ाऊंगा, और एक और पतंग उड़ा करके आपको पेच लड़ा करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए अब हम इस पतंग को उड़ाने जा रहे हैं, ये हमारे छत पे आके गिरी हुई थी, ये 2-3 दिन तक छत पे पड़े होने की वजह से देखिए उसका कलर कैसे फेड हो गया। अब मैं इसको उड़ाता हूँ, देखता हूँ, हवा भी बिल्कुल बैठ गई है फ्रेंड्स। और मेरा 400 मीटर तक पतंग पहुंच गया है, पतंग दिखाइए। अब मैं इस मांझे को बांधने लग रहा हूं, और अभी आपको पेच लड़ा करके दिखाता हूं, ओपोनेंट का पतंग भी है आगे। फ्रेंड्स देखिए ये मैं ब्राउन सद्दी बांध दिया मैंने, और पतंग मेरी पेच तक पहुंचने वाली है बिल्कुल। अभी मैं आपको पेच दिखाता हूं, हवा बहुत कम होगी है फ्रेंड्स, बिल्कुल मुश्किल से 6-7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। फ्रेंड्स देखिए पेच लड़ने जा रहा है, और उसने भी अपनी अभी तैयारी लेगा, वो नीचे से लड़ाएगा, वो मैं ऊपर से लड़ाऊंगा। नहीं आया पेच में, अरे यार फिर कट गया मेरा पेच, फिर ये दूसरा पेच भी कट गया फ्रेंड्स। बहुत अच्छा उसने चढ़ा के रख दिया, बहुत ही अच्छा पेच काट दिया फ्रेंड्स। अभी मैं फिर एक और पतंग उड़ाऊंगा, देखिए मेरी पतंग जा रही है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी जब मैंने ऊपर से लड़ाया, उसने क्या किया कि मैं बिल्कुल उसने सेम टू सेम जैसा पिछला पेच लड़ाया था उसी तरह से लड़ाया, उसने अपनी पतंग को पहले ही आसमान में चढ़ा लिया, और इस तरह से चढ़ा करके जो है मेरा पेच काट दिया। बार बार यही पेच लड़ा रहा है, क्या कर रहा है मेरे गद्दे की जगह को ख़त्म कर रहा है। तो देखिए अभी मैं एक और पतंग उड़ाऊंगा, दिखाता हूँ आपको ये पेच कैसा लड़ता है। फ्रेंड्स पेज पे पहुंच गया है, अब मैं कैमरामैन को बोलूँगा वो पेज दिखाए आपको। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पतंग है फ्रेंड्स, ये मैं अभी डाउन करूँगा, ये देखिए ये पतंग मेरी है, और ओपोनेंट की पतंग उधर है। फ्रेंड्स देखिए फिर से लड़ने जा रहा है, और वो घुस के आ गया अंदर। फिर खेल दिया, फिर कट गया फ्रेंड्स मेरा, ये भी पतंग कट गया फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट भी था। देखिए फ्रेंड्स मेरा पतंग जा रहा है,
झूमता हुआ बल खाता हुआ जा रहा है। बहुत फ्रेंड्स उसने मेरा ये भी पेज काट दिया, यानी उसने मेरे तीन पेज काटे और मैंने सिर्फ आज एक ही पेज काटा। आज मैं लूज़र हूँ और उसने आज बहुत अच्छा पेज काटा। फ्रेंड्स हर पेज को उसने बहुत नाप तोड़ करके लड़ाया, ज़्यादा ताकत नहीं लगाया क्योंकि वो मेरे ट्रिक को समझ चुका है। अभी आज मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ फिर, एंड आई होप बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।